नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आज फ्रेंड्स अपन फिर से एक बार डिस्कस करेंगे सौर मंडल भाग दो। इसमें हम पिछले वीडियो में जो बताए थे उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे मुख्यतः उल्का पिंड के विषय में कि उल्का पिंड कैसे बनता है, क्या कारण है उसके बनने का और कैसे वो पृथ्वी और अन्य चीजों को प्रभावित करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं, अभी हमारा मेन टॉपिक आज का रहेगा उल्का पिंड। उल्का पिंड देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया था, उसमें एक चीज और मेरे से मिस रह गया था, छूट गया था। तो ये पृथ्वी, पृथ्वी जहां हम लोग रहते हैं इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नीला ग्रह, जैसे आप मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। अब हम मेन डिस्कस करने वाले हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। जब क्षुद्र ग्रह आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ये दो ग्रह आपस में से टकराएंगे तो सिंपल इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको अगर इधर जाना था तो इधर चला जाएगा। अब इसकी मुलाकात इधर मंगल से भी हो सकती है, पृथ्वी से भी हो सकती है। बाय द वे, दो ग्रह ऐसे टकराएंगे और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण ये मंगल में जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, मंगल अपने आप में गतिशील है, ये भी ऐसे क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते मंगल यहां था वो यहां आ गया, तो ये तो सीधा निकल गया। अच्छा, अगर यहां दो ग्रह ऐसे टकराते हैं और ये दोनों ग्रह टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इधर ही आएंगे। अब मंगल जो है वो यहां था, अब यहां आ गया, क्लियर। यहां भी मंगल नहीं है क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, अपने कक्ष में ऐसे गतिशील होता है, घूर्णन गति करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या करेगा, पृथ्वी पर आएगा। अब पृथ्वी में जैसे आएगा तो मैं अलग से उसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी में जब आएगा तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। क्या है फ्रेंड्स, वायुमंडल। अब ये जो क्षुद्र ग्रह है वो टकरा के बहुत तेजी के साथ आते हैं, जैसे वातावरण में आते हैं वायुमंडल में प्रवेश करते हैं क्षुद्र ग्रह, जैसे आपको मैं डायग्राम से बताता हूं, ये आपका प्रवेश कर गया तो वायुमंडल में आते ही क्या करते हैं, जलने लग जाते हैं और अत्यधिक तेजी के साथ वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो जैसे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं तो बहुत सारे जो इसके कण होते हैं वो तो वायु में ही जलकर राख हो जाते हैं और जो बच जाता है वो गिरता है पृथ्वी पर। कहां गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है और बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे का निर्माण कर देता है, झीलों का जो निर्माण हुआ है इसी के द्वारा हुआ है। ये जो आपके इसको कहते हैं फ्रेंड, जो जलता हुआ है उसको कहेंगे उल्का, और जल के जो गिर गया जो बच गया, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो उल्का पिंड होगा वो क्या करेगा, वायुमंडल में नहीं जलेगा और वो धरती पर गिरेगा और धरती पर गिरकर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। ध्यान रखिएगा, जो जल रहा है उसको कहेंगे उल्का और जो जल के बच गया और अवशेष नीचे गिरेगा वो कहलाएगा उल्का पिंड। क्या कहलाएगा, उल्का पिंड। तो फ्रेंड्स इसी में आपको मैं ये समझाता हूं कि जो आपका टूटता हुआ तारा है, टूटता तारा, देखिए फ्रेंड्स जैसे उल्का पिंड जलता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और कुछ तो वही जल के राख हो जाते हैं, जो बचता है वो हमको एकदम लाइटिंग के साथ दिखता है, ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो है उल्का पिंड जलता हुआ। तो जलता हुआ उल्का पिंड हमको बहुत गतिशील दिखता है, उसी को हम कहते हैं टूटता तारा। तो ये आप सबका भ्रम था, उसको आप लोग देखकर विश भी करते हो कि टूटते तारे से कुछ मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, ऐसा तो ये आपका भ्रम रहा। नेक्स्ट इसमें हम ये समझते हैं, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है
चंद्रमा, क्या है चंद्रमा। अब चंद्रमा भी क्या है, ये पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रहे, क्योंकि उपग्रह। तो कभी कभी क्या होता है, ये उल्का पिंड कहां गिर जाते हैं, चंद्रमा में गिर जाते हैं। तो चंद्रमा में गिरने पर क्या होता है, वो भी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा में उल्का पिंड गिरेंगे। तो देखिए, चंद्रमा में कहीं भी ऐसा बाहर में कोई वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो जो उल्का पिंड गिरेंगे वो तो जलने वाली कोई बात ही नहीं, सीधा सीधा गिरेगा और भड़ाम भड़ाम यहां ऐसे बड़े बड़े गड्ढे करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि चांद पर दाग है, चांद पर क्या है, दाग है। तो फ्रेंड, चांद में कोई दाग नहीं है, ये उल्का पिंड के गिरने के कारण ही यहां क्या हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जो चंद्रमा है वो स्वयं से प्रकाशवान नहीं है, वो सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं उस गड्ढों पर अच्छे से अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, और ये जो गड्ढे हैं ये हमको दाग, अर्थात यहां प्रकाश किरण नहीं पहुंचने के कारण ये चमकता हुआ नहीं दिखता, थोड़ा धुंधला दिखता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चांद में दाग है कहते हैं। तो चांद में कोई दाग नहीं है, चांद में केवल उल्का पिंड के गिरने के कारण यहां जो गड्ढा हुआ है वहां प्रकाश किरण नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हमको चांद में क्या दिखता है, दाग दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो उसका असर क्या होता है। देखिए, उल्का पिंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो किसी भी पृष्ठभूमि पर अगर गिरता है तो उसका सर्वनाश कर देता है, जो भी उसके चपेट में आएगा वो पूरा समाप्त हो जाएगा। भाई लोग, यही गिरा तो यहां जितनी भी चीजें रहेगी वो सब समाप्त हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं पृथ्वी में, ये समझिएगा। आने वाले वीडियो में हम उल्का पिंड से और क्या क्या विनाश हुआ है उसमें भी चर्चा करेंगे, डायनासोर कैसे मरा उसके उसमें भी अपन क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल ये समझते हैं हम उसका और क्या असर पड़ता है उल्का पिंड के गिरने से। बाय द वे, उल्का पिंड यहां गिर गया बड़ा सा, तो ये पूरा ऐसे क्या होगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब इससे होता क्या है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान वो बढ़ जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ने से क्या बोलेगा अपन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे देखिए होता क्या है, एक्चुअली वायुमंडल में जैसे जलती हुई उल्का आती है तो ये बन के क्या हो जाती है, राख हो जाती है, और बहुत बड़े होते हैं वही नीचे गिरते हैं। तो जो ये राख बन रहा है ये वायुमंडल में ही रहता है और गैसों के साथ क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य समझा रहा हूं। देखिए, पहले 900 मिलियन वर्ष पहले, 900 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का द्रव्यमान कम था, क्योंकि ये सब उल्का पिंड का कोई दिक्कत नहीं था। आज की स्थिति ऐसी है कि प्रतिदिन उल्का पिंड गिरते हैं, रोज उल्का पिंड गिर रहा है पृथ्वी पर। तो इसका क्या हो रहा है, मास अर्थात द्रव्यमान रेगुलरली बढ़ते जा रहा है, उसके कारण आप समझिएगा कि इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ रहा है। तो 900 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो है वो 18 घंटे में एक दिन हो जाता था, अभी वर्तमान में 24 घंटा लगता है एक दिन के लिए। तो 900 मिलियन वर्ष पहले इसका द्रव्यमान क्या था, कम था। तो द्रव्यमान कम था इसलिए क्या करता था, जल्दी जल्दी घूम जाता था और 18 घंटे में ही एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता था। बट अभी वर्तमान में 24 घंटे लगते हैं एक दिन कंप्लीट करने में पृथ्वी को, और 900 मिलियन वर्ष बाद 30 घंटे लगेंगे, 30 घंटे में एक दिन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सबके लिए। तो इस वीडियो में हमने जितनी जानकारी आपको दी है वे सभी तथ्यों को आप नोट डाउन करके रखें, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं उल्का पिंड का और कैसे असर हुआ, आखिर जो डायनासोर थे वे कैसे मर गए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।